अस्सलामुअलैकुम, आपका मेज़बान फिदाली सुल्तानी एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। जी तो नाज़रीन, मैं आज आपको एक देसी पंचकी दिखाऊंगा। तो वीडियो बहुत छोटी है, आपने कोई मंजर मिस नहीं करना है, वीडियो पूरी देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया। जी तो नाज़रीन, मैं आज आपको यहाँ शिंगो शिगर, जिसे कराबोश भी कहते हैं, यहाँ एक पंचकी है सामने आप देखें। यहाँ पर मेरे साथ अबूजर भाई, यहाँ के बाशिंदे हैं, तो ये हमें बताएंगे इस चकी में जो ये नीचे लग रहे हैं, इन पुर्जू का नाम बताएंगे ये अपनी जबान में। बिल्कुल जी भाई, बिल्कुल सर। सर ये ऊपर वाला वो लग, वो उसको संकाड़ू कहते हैं जी, नीचे वाला उसको हलेश कहते हैं जी, और अंदर जो है एक को सर डारन कहते हैं। इसके बाद गाय होता है, लकड़ी फिरता है। तो अंदर तो हम जाएंगे तो अंदर का आपसे पूछेंगे। अभी हम इधर का अंदर सर, इधर का अंदर, इधर क्या है? हाँ गाय है सर, बड़ाली है सर, अल्लाह आपको खुश रहे। गाय से ऊपर नर होते हैं सर, उसको नर कहते हैं। उसका ऊपर थोड़ा लोहे का वो डालते हैं सर, खून, खून बोलते हैं, खून बोलते हैं सर। उसका ऊपर फारी सर, इसे तिरछा लगाते हैं, इसका ऊपर वो पत्थर लगाते, उसको क्या कहा जाता है कि योश जी। तो यहाँ की लोकल जबान में इसको योश बोलते हैं, योश बोलते और ये पंचकी है जी सर। पंचकी है, यहाँ बिजली की कोई सहूलियात नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोकल लोग अपने मदद आप इस किस्म का सिस्टम बना के अपनी ज़रूरत ज़िंदगी पूरा करते हैं। यहाँ लाकर अपनी गंदम पीसते हैं और अपना गुजर बसर इस तरह करते हैं। यहाँ बिजली ना होने की वजह से यहाँ पर लोग अपनी मदद आप ऐसी पंचकियाँ बनाते हैं, आठ आठ दस दस घर के दरमियान। तो अपने साल भर के गंदम इन पंचकियों में ये लोग पीसते हैं। तो आइए हम आपको पंचकी दिखाते हैं, पंचकी दिखाएंगे। ये देखें, ये पंचकी है जी। ये देसी सिस्टम, तो ये बाहर से तो हमने आपको दिखाया है, ये आटा इस तरफ से निकल रहा है, ये गंदम यहाँ से बरनाला, ये इसको यहाँ की लोकल जबान में खुर कहते हैं। ये पंचकी है, ये आखिरी दास गांव का नाम है। हफ्ते मेज़बान फिदाली सुल्तानी को इजाज़त दीजिएगा, एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा।